नमस्कार। नौकरी नहीं मिल रही है, हताश हो, उदास हो, निराश हो, एक बात ध्यान रखना, क्या इस देश में नौकरी सबको मिल सकती है? अगर सभी युवा नौकरी की तलाश में रहेंगे तो क्या सभी को नौकरी पॉसिबल है? सबसे पहले तो यह सोचे अपने मन में, सभी को नौकरी नहीं मिल सकती, सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है, सभी को प्राइवेट जॉब नहीं मिल सकती है, तो आप इतना हताश निराश क्यों होते हो? अगर आप अच्छी टैलेंटेड है, अच्छी क्वालिटी है और आप जॉब के लिए कोशिश भी कर रहे हो, नहीं मिल रही है, हताश हो गए हो, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आप बहुत कम पैसों में भी कुछ छोटा मोटा बिजनेस चालू कर सकते हो, बस आपके अंदर थोड़ा मेहनत करने का जुनून होना चाहिए, थोड़ा जज्बा होना चाहिए और थोड़ी सी क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो आप कम पैसों में भी अपने घर पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और आप अर्निंग चालू कर सकते हो। नौकरी के भरोसे ही न बैठना है क्या? जिसके पास नौकरी नहीं है उन्होंने कुछ नहीं किया? हर चीज की शुरुआत छोटे से होती, लिज्जत पापड़ छोटे से शुरुआत हुई, निर्मा साबुन छोटे से शुरुआत हुई, पार्ले छोटे से शुरुआत हुई, हर एक बड़ी से बड़ी कंपनी की शुरुआत छोटे से हुई है, तो क्या आप क्यों नहीं कर सकते? ऐसे 7 बिजनेस जो आज मैं आपको बताऊंगा 1 लाख से भी कम रुपए में शुरू हो सकते हैं, और आप देखना कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है, उन 7 बिजनेस में आप कौन सा कर सकते हो और घर बैठे आराम से 30 से 35 हजार रुपए आप कमा सकते हो 6 महीने बाद। शुरुआत में थोड़ा सा धीरे 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 बढ़ोगे और अच्छी क्वालिटी दोगे, अच्छी कंसिस्टेंसी रखोगे और अच्छी मेहनत और लगन से काम करोगे, तो आप 6 महीने के अंदर 30 से 35 हजार रुपए आराम से कमा सकोगे इन 7 बिजनेस से, और ज्यादा आपको मनी लगाने की जरूरत नहीं है। 1 लाख के अंदर अंदर ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएंगे। आप अपने घर से भी मदद ले सकते हैं, इतने पैसे तो आप अपने यार दोस्तों भी मदद लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत में तो 40-50 हजार से स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे 1 लाख तक में तो आपका काफी अच्छा बिजनेस सेटअप हो जाएगा। तो वो ऐसे बिजनेस कौन से हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, फूड बिजनेस। आप घर पर ही छोटे स्तर पर फूड बिजनेस चालू कर सकते हो, जैसे पापड़ बनाना, आइसक्रीम बनाना, केक बनाना, चॉकलेट बनाना, अचार बनाना। शुरुआत में छोटे स्तर पर शुरुआत कर सकते हो, इनमें शुरुआत में पूंजी भी आपको 20 या 25 हजार से आपके चालू हो जाएगा। आप क्वालिटी अच्छी रखें, क्वांटिटी कम रखे लेकिन क्वालिटी बेहतर रखे और कंसिस्टेंसी रखे, तो आपका प्रोडक्ट अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी ना, शुरुआत में पैसे पर ध्यान ना दें, शुरुआत में क्वालिटी पर ध्यान दें। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, आप निरंतरता उस प्रोडक्ट को चलाओगे, तो दावा है मेरा आपसे कि इनमें से कोई सा भी बिजनेस आपके चल सकता है और इनको आप घर पर बना सकते हो। थोड़ा सा नॉलेज अर्न करके आप अपने यार दोस्तों से किसी भी नॉलेज ले सकते हो। आप आजकल तो नेट पर खूब सारा नॉलेज होता है, आप नेट पर भी नॉलेज लेके आप घर पर ये सारी चीज़ें तैयार कर सकते हो और आप अपना खुद का बिजनेस चालू कर सकते हो। कपड़ों से संबंधित व्यवसाय, आप कपड़ों से संबंधित व्यवसाय भी शुरुआत कर सकते हो। जरूरी नहीं शुरुआत में मार्केट में शॉप लगानी है, मार्केट में शॉप मत लगाइए, शुरुआत में घर पर कपड़ों को चालू करिए। छोटे बच्चों के कपड़े लाइए, 20-25 हजार में कपड़े आ जाएंगे बच्चों के, 40-50 हजार बड़े जेंट्स के कपड़े आ जाएंगे, और थोड़े बहुत और अगर पैसे लगाओगे तो आप लेडीज के भी कपड़े आ जाएंगे। घर से शुरुआत कीजिए, अच्छी वैरायटी के कपड़े रखें, और आजकल तो आप नेट व्हाट्सएप पर सबको आप वैरायटी भेज सकते हो। धीरे 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 अगर आपका बिजनेस बड़ा तो ये बिजनेस भी आपके बहुत बड़ा हो जाएगा। जरूरी नहीं आपको मार्केट में शॉप ले और वहाँ पे बड़ा डिस्प्ले करें और वहाँ पे 10-15 हजार की किराए लेके महीने के, नहीं, आप शुरुआत में 40-50 हजार के कपड़े घर पे लाकर बच्चों के, बड़ों के, लेडीज के आराम कपड़ों को संबंधित बिजनेस भी आप कर सकते हो, और ये भी आप इसमें भी क्वालिटी अच्छी रखकर बढ़िया डिजाइन लाए, आपका बिजनेस भी चल सकता है। घर से संबंधित चीज़ें भी आप बना सकते हो। घर से संबंधित चीज़ें क्या, आप अगरबत्ती का बिजनेस स्टार्ट करते हो घर पे, कर सकते हो।
आप साबुन बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप कैंडल बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप सर्फ बनाने का बिजनेस स्टार्ट करते हो। ये सब चीज़ें हैं ना, इनके लिए ज़्यादा पैसा नहीं लगते हैं, इनके लिए 30-40 हज़ार रुपये में आप घर पे स्टार्ट कर सकते हो। और भाई बढ़िया क्वालिटी रखो, आजकल तो कैंडल की इतनी डिमांड है कि बर्थडे और छोटी मोटी एनिवर्सरी पार्टी, तो छोटी छोटी पार्टीज में कितने रंग बिरंगे कैंडल चलते हैं, आप घर पे कैंडल बना सकते हो। तो ये जो बिजनेस है ना छोटे छोटे, ये सिर्फ आपको 30-40 हज़ार में स्टार्ट हो जाएंगे और आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी और घर से आप स्टार्ट कर सकते हो। शुरुआत में क्वालिटी अच्छी रखोगे तो शुरुआत में हो सकता है कि 6 महीने आपको जमने लगे, 6 महीने बाद इसी बिजनेस से आप 30-40 हज़ार रुपये घर बैठे कमा सकते हो। इंटीरियर डेकोरेशन, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है कि घर को कैसे सजाया जाता है, किचन को कैसे सजाया जाता है, बेडरूम को कैसे सजाया जाता है, तो आप इसमें भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और आप ऑनलाइन भी पैसा कमा सकते हो इसमें, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है। आजकल इस चीज़ की बहुत डिमांड रहती है इंटीरियर डेकोरेशन की, कोई भी अपनी रसोई को अच्छी सजावट करना चाहता है, कोई अपने बेडरूम को अच्छी सजावट करना चाहता है, कोई अपनी बालकनी को अच्छी सजावट करना चाहता है। अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ ना, तो आने वाले टाइम में भी ये भी बहुत बड़ा बिजनेस बनना जा रहा है। तो आप इसमें भी बहुत सारा पैसा ऑनलाइन कंसल्टिंग, ऑनलाइन भी आप इसमें पैसा कमा सकते हो। तो इंटीरियर डेकोरेशन भी आने वाले टाइम के लिए बहुत ही स्कोप वाला क्षेत्र है और इसमें भी आपको कुछ पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, आप 30-40 हज़ार रुपये घर बैठे ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस भी आजकल बहुत चलने वाला बिजनेस है। आजकल आपने देखा होगा कि कार वॉश का काफ़ी चल रहा है, हर जगह कार वॉश, ये भी आप कार वॉश का भी कर सकते हो। इसके लिए जरूरी नहीं आपको शॉप लेनी, आप लोगों के घर घर जाके भी कार वॉश कर सकते हो, कार की सफाई कर सकते हो, इस पर भी आप कर सकते हो। हाउस क्लीनिंग, आजकल हाउस की साफ सफाई के लिए भी लड़के या लड़कियां नहीं मिलती है, तो आप हाउस क्लीन का भी व्यवसाय कर सकते हो। इसके लिए भी आपको ज़्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, आप 30-40 हज़ार रुपये में ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और ये हाउस क्लीनिंग और क्लीनिंग और मेंटेनेंस वाला ये बिजनेस बहुत ही आगे फ्यूचर में चलने वाला बिजनेस है। अगर आप अभी इस वक्त इस बिजनेस को पकड़ लिया ना, तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत स्कोप हो सकता है इसमें। कंसल्टिंग बिजनेस, अगर आपको थोड़ा बहुत एजुकेशन का नॉलेज है, तो आप घर पर कोचिंग स्टार्ट कर सकते हो। शुरुआत में फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक के बच्चों को पढ़ाएं, अगर आप अगर कोचिंग अगर अच्छी तरह से और अच्छी क्वालिटी में बच्चों को पढ़ाओगे ना, तो कोचिंग भी आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही बड़ा बिजनेस साबित हो सकता है। आपने देखा आजकल ऑनलाइन कोचिंग में लोग लाखों करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। आप शुरुआत में घर पर अपने स्तर पर छोटी शुरुआत करें, अगर आपने क्वालिटी अच्छी दी और अगर आपने बच्चों को सही एजुकेशन दी, तो यही कोचिंग जो शुरुआत के स्तर पर आप शुरू कर रहे हो ना, एक दिन यही बड़ी बन जाएगी। और कोचिंग के लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 10-15 हज़ार में शुरुआत में आप कोचिंग घर पर स्टार्ट कर सकते हो। YouTube से भी आजकल आप पैसा कमा सकते हो, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी क्वालिटीज है, आप डांस अच्छा करते हो, आप कोचिंग अच्छा पढ़ाते हो, या आप योगा अच्छा सिखा सकते हो, कुछ न कुछ अगर आप अच्छा कर सकते हो, तो आप YouTube पर ऑनलाइन क्लासें भी ले सकते हो। आप YouTube पर अपने अच्छे से वीडियो बनाकर भी अपलोड कर सकते हो। YouTube से भी धीरे 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 अगर आपने लोगों को अट्रैक्टिव किया और लोगों ने आपका वीडियो पसंद किया, तो आप YouTube पर भी पैसा कमा सकते हो। बशर्ते आपको ये सोचना होगा कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो मैं लोगों को प्रभावित कर सकता हूँ, जो लोगों को मैं इफेक्ट कर सकता हूँ, जो लोग मेरे से अट्रैक्टिव हो सके। अगर ऐसी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, तो आप डेफिनेटली YouTube पर भी पैसे कमा सकते हो। तो ये कुछ 7 बिजनेस ऐसे हैं जिसको आप बहुत ही कम पैसों में आप घर पर शुरू कर सकते हो और आप 30-35 हज़ार रुपये घर पे कमा सकते हो। इसलिए नौकरी नहीं मिल रही है तो हताश न हो, उदास न हो, निराश न हो। ये 7 बिजनेस ऐसे हैं कि शायद आपके काम आ जाए। इनमें से कोई भी ऐसा बिजनेस हो जो आपको पसंद हो और आप करो।